नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD जॉन में। तो आज भी हम एक मैथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसे भी हम शॉर्ट तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि इस टाइप का मैथ जो है तो इसे भी हम आपको शॉर्ट टाइप में बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, राम ने एक बैंक से 8% सालाना ब्याज की दर से एक निश्चित रकम उधार ली। 2.5 साल बाद उसने 1920 रुपया देकर उधार चुकता कर दिया। तो उसने बैंक से कितनी रकम उधार ली थी। इस टाइप के मैथ को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है या साधारण ब्याज का होता है, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप का मैथ जो आपको साधारण ब्याज का ही मैथ रहता है। तो इसमें आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमारा दर कितना दिया है, 8%। उसके बाद निश्चित रकम, मतलब मूलधन हमारा पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है। उसके बाद हमारा समय कितना दिया है, 2.5 साल, 2.5/2 लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है, 1920 रुपये। तो अब इसी के आधार पे हम इस मैथ को बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा मूलधन कितना है। इसमें मूलधन ही पूछा जा रहा है, मूलधन ही पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 8% सालाना ब्याज की दर से एक निश्चित रकम। यहाँ पे रकम क्लियर नहीं किया है, तो यही रकम को हमको निकालना है। तो आइए चलते हैं इसको निकालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देखिए और सीख लीजिए। तो होता है मूलधन निकालने का, मूलधन बराबर 100 × मिश्रधन / 100+ दर * समय। ठीक है, तो आइए इस पे चलिए हम इसको सबको पुट अप करते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। तो हमारा मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 100 का 100 होगा, गुना मिश्रधन कितना दिया है, 1920 रुपया, तो 1920 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ 100 का 100, वो प्लस कर देंगे ब्रैकेट ओपन। रेट हमारा दर कितना है, 8%, तो 8 गुना में समय कितना है, 2 × 4 = 5/2, 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2। तो सबसे पहले हमको करना है यहाँ पे इसका काम करना है, तो इसका काम करते हैं 2 × 2 = 4 × 8, तो यहाँ पे हमारा 4×5 = 20 हो गया, यहाँ पे हमारा 20 हो गया इसको सॉल्व करने से। अब आइए इसको हम जोड़ देते हैं और बनाते हैं। तो ऊपर का 100 × 1920 / 120, अब इसको हम काटते हैं तो देखिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100 काट देते हैं। अभी 2 से काटते हैं तो 6 × 12, और इधर हो जाएगा 9 × 18, 6 × 12। फिर अभी 6 को 3 से काटते हैं तो 3 × 6, और इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 6, 2 को काटेंगे तो 2 × 2 = 2, और 16 × 32, तो यदि 16 और 100 को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 1600, जो कि मूलधन ही पूछ रहा है इस मैथ में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1600 रुपया। तो जब भी इस तरह का मैथ आए तो आप आसानी से इस सूत्र को याद रखिए कि मूलधन निकालने का सूत्र क्या है। यदि मिश्रधन दिया हुआ, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तो आप इस सूत्र से इस तरह का मैथ को आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मैथ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ में इसी तरह का मैथ सीखने के लिए आप हमारे
चैनल वीडियो जॉन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।